नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल, हंसी की आवाज मीडिया पर। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, इसलिए हम वर्ष 2019 को अलविदा कहकर नव वर्ष 2020 में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में हंसी की आवाज मीडिया के एडिटर, एक जुझारू पार्षद अजय सैनी जी मेरे साथ बैठे हैं। वो अपने खट्टे मीठे अनुभव साझा करेंगे और आपको नव वर्ष की मंगलमय कामनाओं से निवेदित करेंगे। नमस्कार जी, सभी हल्का वासियों को मेरी तरफ से, मेरे वार्ड नंबर 4 की तरफ से और SD महिला कॉलेज मार्ग की तरफ से, हंसी की आवाज परिवार की तरफ से और अजय सैनी टीम की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वर्ष आपके जीवन में अनेकों खुशियाँ दे, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। धन्यवाद साहब। ये थे अजय सैनी जी, एक जुझारू पार्षद वार्ड नंबर 4 के, जो 24 घंटे अपने वार्ड में लगे रहते हैं। अपने SD महिला कॉलेज मार्केट एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। बहुत से लटके झटके देखे उन्होंने मार्केट के अंदर। गत वर्ष यहाँ एजिटेशन भी हुए और आंदोलन भी हुए, अपने व्यापारी भाइयों के लिए इन्होंने पूरा योगदान दिया और पूरी टीम ने, हंसी की आवाज़ पूरी टीम ने दो दो चुनाव को कवर किया। नूतन वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और 2019 को अलविदा कह रहे हैं। अलविदा इसलिए कह रहे हैं कि एक प्रकृति का नियम है, समय कभी रुकता नहीं है, काल कभी रुकता नहीं है, काल का चक्र घूमता रहता है लेकिन अपनी अधूरी मीठी यादें छोड़ जाता है। नव वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और उसमें एक रेजोल्यूशन के साथ, एक संकल्प के साथ उसमें प्रवेश करें कि हमें नया क्या करना है। हमें हमारी इंट्रोस्पेक्शन करके, अंदर झांक कर आत्मा की आवाज़ से, हमारे अंदर कुछ बुराइयां हैं उनको छोड़नी है, अच्छाइयों को ग्रहण करना है, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। नव वर्ष में हम प्रवेश इसलिए कर रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं कि आने वाला वर्ष हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पिछला गत वर्ष में बहुत घटनाक्रम हुए, BJP सरकार बनी, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, एक थप्पड़ मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी आए। प्रदेश में BJP सरकार रिटेन हुई, बैसाखियों के सहारे एक गठबंधन के साथ सरकार बनाई जो जैसे तैसे चल रही है। और भी घटनाक्रम हुए, एक CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे पूरे देश के अंदर हलचल मची हुई है, वो पारित हुआ। एक NPR एक्ट लागू हुआ, वो भी चल रहा है, उस पर भी बहस चल रही है। और देश कुछ कड़वी यादें भी छोड़ गया, जैसे 7 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद पुनरावर्ती हुई, अजय जी पुनरावर्ती हुई दिशा कांड की हैदराबाद में, एक डॉक्टर बेटे के साथ हुआ घटनाक्रम जिसने सबकी आत्मा को झकझोर के रख दिया। उसके बाद कंटिन्यू हुआ उन्नाव में, मैं याद दिला रहा हूँ। तो ऐसी यादों को तो हमें भूलना होगा और ऐसी बुराइयों को हमें छोड़ना होगा और नई बने वर्ष में हम प्रवेश करें एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सर्जन के साथ, एक नई शक्ति के साथ, ताकि देश हमारा उन्नति की ओर जाए। मैं राजीव बंसल आपके मंगलमय कामना करता हूं भविष्य की। आपका आने वाला वर्ष 2020 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपके घर आंगन की बगिया हमेशा महकती रहे, फूलों से महकती रहे। ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए, ईश्वर करे वर्ष 2020 सबको रास आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे हंसी की आवाज़ चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। आपने हमें बहुत मोहब्बत दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया और साथ ही साथ फीडबैक भी हमें मिलती रही है। 2019 में अजय जी मेरे साथ बैठे हैं, इनकी मेहनत, प्रतीक जी मेरे सामने बैठे हैं, इनकी मेहनत, विजेंद्र जी मेरे टीम के एक सदस्य हैं, उनकी मेहनत और मेरा छोटा भाई रवि सैनी जो अक्सर बड़ा स्नेहशील है,
पूरी टीम का सहयोग से और खासकर व्यूअर्स आपके सहयोग से हंसी की आवाज़ चैनल ने बहुत प्यार पाया है आपका, जनता का, हंसी की जनता का। मैं कहूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये चैनल जाता है और हरियाणा भर में भी ये जाने लगा है, तो हमें जनता का बड़ा सहयोग मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है। इसी तरह आप मेरे एडिटर अजय सैनी जी को और हमारी पूरी टीम को आपका स्नेह मिलता रहे और आपका भविष्य 2020 का, जो नौ वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, मंगलमय हो। आपके मंगलमय जीवन की हम कामना करते हैं और ढेर सारी खुशियों की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैनी मैनी गुड विशेस फॉर न्यू कमिंग 2020 न्यू ईयर। नमस्कार। नमस्कार।